सुबह का 4:45 का टाइम है। जब उठी थी आज तो लाइट भाग के ना उठते हैं। जिस तरह मैं अपना गर्म पानी करती हूँ तो फिर मैं रही लगा दिया करूँ, इतने बैठ के पानी पीऊँ। महाराज निकलते हैं 6:30 के बाद, दूसरे एरिए से निकलते हैं इस साइड से, तो पहले ही लाल लाल होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी साइड नहीं, दूसरी साइड तो इस तरह का होता है, अभी नॉर्मल है। इस साइड भी नीला नीला ही दिखा है, वैसे साफ है पर अच्छा बड़ा लगा है, इस तरह यूँ निकल के आता है। सुबह जो है लाइट भागती है ना, फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। इतना पानी वगैरह पिए तो इतना मेरा दूध भी लोया जाता था। आज फिर मैं वैसे ही आ गई, मैं जाने के बाद ही बिलाऊंगी फिर है। और सुबह जैसे भी लोया जाता है ना, फिर उसकी जो रही गर्म होती है, इतना मैं जाती हूँ वो ठंडी हुई मिलती है। फिर जाने के बाद वो गर्म हुई होती है, कई देर तो उसका हाथ ही नहीं लगाया जाता, वैसे ही देर हो जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है एस जी ब्लॉग सेंटर इस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। टाइम हो गया 7:05, तो टाइम लग ही जाता है सारे में। पानी दे कर ना रात सेटिंग करी है, मिट्टी सुखा दी, कोशिश करूँगी शाम को अगर टाइम मिल गया तो एक आध तो सब्जी लगाऊँ ना, थोड़ा बहुत रोज़ थोड़ा थोड़ा जितना होएगा उतना ही करूँगी। और उधर से कर दी है स्टैंडा की सेटिंग, शाम ने उठा कर नरे ड्राम को, खाली ड्राम को उधर लगा दूंगी, लाऊंगी जब। पहले तो आज और काम है, पत्तियाँ के कट्टे नीचे पड़े हैं वो चढ़वाने हैं, 2 कट्टे भरे पड़े हैं नीम के पत्तियाँ के, उतरवाए थे यहाँ से गली साफ करने वाले हैं उसे एक दिन ना। पहले पानी दिया था, पानी देने के बाद हार्वेस्ट करी है, बस दो तोरी 5-6 तोरी होगी, एक दिन की सब्जियाँ का मेरा काम चल जाएगा, तोरी और पालक। पर ये चीज़ें घर वाली बने बड़ी स्वाद हैं, चाहे थोड़ी ही लेट उतरती हूँ चीज़ें, पर अच्छी बनती हैं, टेस्टी बनती हैं, उनमें तो वो टेस्ट ही नहीं आता। चलते हैं नीचे, क्यों लेट हो रहे हैं, कपड़े हो रहे हैं, देखती हूँ। बुधवार है, कल मंगलवार ने तो वैसे थोड़ी ही लगा दी, क्यों कपड़ों का तो अब मैं थोड़े थोड़े रोज़ डेली ही कर रही हूँ, जब तक मिस्त्री हैं 1-2 दिन और। तो चलते हैं अपने घर को, मिट्टी वगैरह सुखा दी। ये पोर्शन सब्जी का रखना है, ये मिर्ची शिमला मिर्ची सही चल पड़े हैं, या बैंगन वगैरह इधर को, तो अब इसमें ड्राम और वो ग्रो बैग का करके जाऊंगी, एक बार दिन में पेंट मरवाऊंगी, वो मार देगा। तो शाम को थोड़ी बहुत तो लगाने की कोशिश करती हूँ धनिया वगैरह। धनिया 2-3 बार लगा लिया था, क्यों गर्मी थी, छत पे हो नहीं रहा था, नीचे तो हो रहा ज़मीन में पर छत पे नहीं हो रहा था, तो आज फिर लगाती हूँ। नीचे आने के बाद रही तो मैं लगाई गई थी, बस ऑन ही करना था उसको, ऑन कर दिया था। और उधर से मैं कपड़े लगाए आई थी मशीन में, तो फिर वो मैं दूध भी लो कर ना, मक्खन निकाल कर ना, उसके बर्तन भी लगी थी धोने, फिर साथ के साथ जो और पड़े होते हैं उनको भी धो देती हूँ। पहले सिंक को धोती हूँ, फिर मैं लगी थी पालक जो लेके आई थी तो वो काटने। तो सुबह का तो रूटीन ऐसा होता है ना, आज तो मैंने बैठ के चाय भी नहीं पी थी, बिजी चली हुई थी आज, फिर मैंने पी ही नहीं, फिर मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी, क्यों काम ज़्यादा हो गए थे और निमटाना ज़रूरी हो जाता, फिर 9 बजे तक टिफ़िन वगैरह पैक करना, कपड़े वगैरह में लग जाते हैं तो फिर तो टाइम लगता ही है। एक ग्रीन टी लिया करूँ बैठ के, आज वो नहीं ली, तो फिर मैं आज थोड़ा है जल्दी, फिर मेरे काम फटाफट से निमटते चले गए अगर मैंने बीच में नहीं बैठी ना। तो फिर मैं 9:30 बजे ही नहा ली थी, नहाने के बाद फिर मैं लगी थी अपना और बेटे का ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट बन रहा है चिल्ला, फिर से काम मेरा सारा हो गया था, ब्रेकफास्ट और तो लगे हुए हैं उनकी चाय, पेंट वाले की लगी हूँ चाय बनाने, तो सारा किचन क्लीनर और इधर का तो सारा हो ही जाता है मेरा, यहाँ वाला तो सारा साफ दिखने लग रहा है अभी फिलहाल, तो थोड़ी देर में धूल मिट्टी हो जाएगी। एक आध जगह अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ा करती, जल्दी वीडियो हो जाया करती, एडिटिंग अब सारे फुल ब्लॉग में ही वॉइस ओवर करनी पड़ती है, तो इतना टाइम लग जाता है एडिटिंग में, और क्यों बीच में वो फिर अभी तो थोड़ा रुका हुआ है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही ना, तो खटखट में फिर ब्लॉग बनाने का है नहीं, खट 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 उन चीज़ों में फिर वो चीज़ होती नहीं, तो दे देती हूँ मैं, क्यों आवाज़ तो आ रही है उधर से बोलने की। फिर बस सामान आया था कुछ, ऑनलाइन ऑर्डर कराया हुआ था कुछ नहीं, एक ही चीज़ है मेरी, उसको उठा कर मैं रखने भी लगी थी, रख भी दी थी, फिर मैं चलो दिखा देते हैं ना सेल में, 60% ऑफ थी, क्यों लंच टाइम हो रहा था तो मेरे को थोड़ी जल्दी थी, फिर मैं रह गया तो रहेगा, चलो दिखा देते हो, एक बार पहले भी मंगाया था पर मेरे को तो ये चीज़ दिख जाए तो चोर से कुछ भी हो इनकी तरफ तो फिर मेरा ध्यान रह आया करे, और कुछ तो मैं ऐसा कुछ मंगवाया नहीं करती ऑनलाइन, अपने लिए कम ही मंगवाती हूँ मैं, पर इनको देख के मेरा थोड़ा यूँ होता है, मंगवाती मैं यहीं से हूँ, कई बार मंगवाती हूँ, हैं भी मेरे पास हैं काफ़ी हैं ये चीज़ें, और क्या हैं पहले खोल कर दिखा देती हूँ, एक बार खोल लेती हूँ, फिर ओपनिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, ओपनिंग करना और डाउट सा वो रहता है, मतलब
मैं तो आगे पीछे यही चीज दिखा कर, सेल्स ली हुई थी 60%, तो मेरे को पसंद आ गई, मेरा साइज भी था, तो मैंने अपना बस मेरे को पसंद आ गई, अच्छी लगी तो उठा के रखने ही लगी थी, इसीलिए यहाँ बैठी थी अपनी दराज में लगी थी रखने, तो रख के फिर मैंने सोचा चल वीडियो क्लिप डाल देती हूँ छोटी ही, तो कुछ नहीं है तो अच्छी है वर्क, हैंड वर्क है ये, वर्क अच्छा किया हुआ है, साइज भी मेरा मिंत्रा से ही मंगवाती हूँ, मिंत्रा में तो होती है ये चीज़ें, तो काफ़ी लेदर में होती है ये चीज़ जो मैं मंगवाती हूँ, 7-8 जोड़ी होनी है मेरे पास, ना बस मेरे को जूतियों से और किसी सैंडल से उनसे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, और ना ही मैं इतने हील वाले कोई डाला करती, मैं फ्लैट ही रखा करूँ, हील वाले वो पड़े हैं साड़ियों के नीचे डालने से या प्लाजो वगैरह के, अब तो वैसे प्लाजो भी कम ही सिलवाए जा रहे हैं, वो ट्रेंड ही जा लिया ना प्लाजो वाला, तो पेंटों पर उन भैया फिर ये चीज़ें अच्छी लगती है, सलवार पर 60% में काफ़ी मेरे को सस्ती पड़ रही थी ना, तो महंगी भी होती है ये प्योर लेदर में, और फिर ऑनलाइन तो फिर कुछ इनके अपने रेट हो जाते हैं कुछ, पर यूँ होता है इसमें कैश डिलीवरी होता है, पैसे वापस आने का उसमें होता है, हम पेटीएम से या गूगल से नहीं करते, क्यों उसमें फिर वापस है कोई सामान भेजे या ना भेजे, तो इसलिए फिर मैं जहाँ से कैश होता हूँ वहाँ से करती हूँ। तो 1 बज रहा था खाने का टाइम, लंच टाइम हो रहा था, तो मैं चलो फटाफट दिखा देती हूँ, ये है मेरी जूतियाँ। वो कहते हैं ना शौक होता है एक आदमी को कि किसको किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी का लगता है, किसी को कपड़े का होता है, किसी को और किसी चीज़ का, किसी को ईयर रिंग का इनका होता है, मेरे को उनका नहीं, मेरे को जूतियों का है, सैंडलों का उन चीज़ों का मेरे को इतना नहीं है, जूती मेरे को यूँ है पसंद आ गई तो फिर मेरा ध्यान उसी पर रहता है, और उनका भी फिर नोटिफिकेशन बार बार आता है, नोटिफिकेशन उसी चीज़ पर ना, अब इतने परसेंट ऑफ है, इतने परसेंट ऑफ है, वो आता रहता है, जब तक ना ले लें तो सली ही नहीं मिलती, और मैं भी देखती रहती हूँ कितने परसेंट ऑफ आया कितने आए, तो 60 में तो कोई माड़ी नहीं है, अब रख देती हूँ उठा के और बना लेती हूँ लंच। फिर हो गया था लंच टाइम, मैं लगी थी रोटियाँ बनाने, पहले माँ की गेहूँ की लगी थी सेकने, फिर साथ में रागी की, फिर रागी की मैं बेलने लग रही हूँ कपड़े के बीच में डाल के ना, हाथ मारते तो वो टूट जाती है बिल्कुल, उसके पुर्जे पुर्जे ऐसे पीस से खिंच जाते हैं मेरे तो हाथ से, असल में बात क्या होती है मैं उसमें दूसरे आटा नहीं मिलाती, कोई भी एक होता है तो अकेला रागी का है या ज्वार का है तो ज्वार का ही होता है। हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा चाय का, 3:30 हुए हैं, तो अपना मैंने सोचा उठ के ना एक बार चाय बना लेते हैं, तो बैठे बैठे सोए भी नहीं, नींद नहीं आती ना फिर ऐसे, तो अपने चाय बना लेते हैं, चाय के साथ मन कर रहा था थोड़ा हाँ मीठा, मीठे में मैं क्या बनाऊँ सोच रही थी, तो थोड़े है गुड़ के मखाने रोस्ट करे हैं, गुड़ वाले थोड़ी ही इलायची डाल के ना, तो टेस्टी लगे अगर मीठे का मेरा मन करे तो फिर मैं यही करा करूँ ना, कई दिन हो गए थे नमकीन ही नमकीन खाता ना, तो मैं चलो आज मीठे बनाती हूँ, ख़त्म भी हो लिए नमकीन तो बनाने थे ही, मैं साथ में ये बना लूँ, फिर नमकीन का डाला कर दिया तो मीठे बना लिए, क्योंकि फिर कई दिन वाले वो सीधन सी हो जाती है, जल्दी ही बन जाता है, चाय तो बनी भी नहीं उससे पहले तो ये बन गए, तो इनमें टाइम लगता नहीं, और ये मीठे खाती मैं ही हूँ और कोई नहीं खाता, बेटा नमकीन खाता है, तो उसने आज मना कर दिया, आज मेरे नमकीन मत बनाना, फिर किसी दिन बनाइयो, फिर वो गंदे हो जाते हो, तो यूँ कहता है ना गंदे हो जाते हैं, टेस्ट गंदा हो जाता है, वो थोड़ा हसीला हो जाता है ना, सही एयर टाइट डिब्बे में डाल लो तो उसका थोड़ा हाँ यूँ हो जाता है, अभी है 10-15 दिन और चलेगा, फिर तो ना यूँ के यूँ ही रहा करेंगे, फिर नहीं सिला करेंगे, और चाय मेरी बन गई है, चाय मैं पी लेती हूँ, और इसी के साथ ही फिर मैं ब्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक राम राम, नमस्ते, शुक्रिया और थैंक यू।